इस नीले नीले अंबर के नीचे जो जगह आपको नजर आ रही है उस हैपनिंग सी जगह का नाम है कालो डूंगर या ब्लैक हिल। कालो डूंगर गुजरात की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 458 मीटर। ये भुज से 97 किलोमीटर और सबसे नजदीकी टाउन खावड़ा से 25 किलोमीटर दूर है। कच्छ में कालो डूंगर अकेली ऐसी जगह है जहां से ग्रेट रन ऑफ कच्छ का पैनोरमिक व्यू देखना पॉसिबल है। छोटे छोटे बच्चे आपको 50 रुपए में बाइनोकुलर्स किराए पर देते मिल जाएंगे, ले लीजिएगा। इन बाइनोकुलर्स की हेल्प से आप इंडिया ब्रिज, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, रन ऑफ कच्छ लेक और रन ऑफ कच्छ को थोड़ा ज्यादा नजदीक से देख पाएंगे। पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से यहाँ एक आर्मी पोस्ट भी है। इस पोस्ट के आगे सिर्फ आर्मी के लोग ही जा सकते हैं। कालो डूंगर प्रसिद्ध है 400 साल पुराने दत्तात्रेय महाराज के मंदिर के लिए। दत्तात्रेय महाराज को ब्रह्मा विष्णु महेश का धरती पर अवतार माना जाता है। कालो डूंगर मैग्नेटिक हिल एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्टिकल इल्यूजन है जहां गाड़ी का इंजन बंद होने के बावजूद भी गाड़ियां अपने आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेती हैं। सुनकर हैरानी हो रही होगी। अब आप पक्का ये जानना चाहते होंगे कि किस तरह से पहुंचेंगे ब्लैक हिल, तो आपको ले चलते हैं। मैं हूं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और ये है गुजरात ट्रिप का डे 2। सुबह के 7 बज चुके हैं और देखिए कितना अंधेरा है इस वक्त। अभी का प्लान ये है कि कोई प्लान नहीं है, हम लोग निकले हैं वाइट डेजर्ट जाने के लिए, वहीं से काला डूंगर जाने का प्लान है। लेकिन पैकेज सब इतने महंगे हैं, टैक्सी वाले इतना ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो हमने सोचा है कि एक नया आइडिया लगा के कुछ नया एक्सप्लोर करके अगर हम कॉस्ट कम कर सकते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी काम करेगी और हमारे लिए भी। तो हम लोग जाएंगे न्यू बस स्टैंड, वहाँ से देखेंगे बस सर्विस आया नहीं है। अगर वो नहीं मिला तो 450 रुपये में रेलवे स्टेशन से हम बस लेकर के निकलेंगे। भुज के नए बस स्टैंड से हमें 32 रुपए में रन ऑफ कच्छ जाने वाली बस मिल गई और हम निकल पड़े अपनी जर्नी पर। लेकिन कहते हैं ना, व्हेन यू डोंट हैव अ प्लान गॉड मेक्स इट फॉर यू। बस में बैठे मुसाफिरों ने हमें बताया कि ये बस आपको कालो डूंगर भी ले जा सकती है और आपको कालो डूंगर सुबह और व्हाइट डेजर्ट शाम को जाना चाहिए। और इन्हीं लोगों ने हमें बताया कि हम कहीं भी अपना टेंट लगाकर रात में रुक भी सकते हैं। अगर नहीं करेगा तो अच्छा हो जाएगा। मना ही नहीं करेंगे, जहाँ जगह देखो, मतलब टेंट के बगल में टेंट लगाने नहीं देंगे, लेकिन आपको जहाँ जगह देखो वहाँ टेंट लगा लेना। आपको तो आराम ही करना है, तो वहाँ घूमने का ही है, तो शाम को मजा आएगा घूमने का। अभी से शाम को ज्यादा ट्रैफिक अच्छा प्लानिंग हो गया। बात हमें पसंद आई और उनकी सलाह मानकर हमने कालो डूंगर की सबसे नजदीकी सिटी खावड़ा के लिए 13 रुपए देकर टिकट एक्सटेंड करवा ली। लीजिए 55 को स्पेंड करके हम बस से पहुंच गए खावड़ा। खावड़ा से हम जाएंगे कालो डूंगर, दूसरी बस जो आएगी 2 घंटे के बाद। यहाँ पे आएगी कितने बजे? 10:30 बजे आएगी। 10:30 बजे आएगी, उसमें चले जाना। अभी 9 बजे, 1.5 घंटा अभी है। यहाँ घूम लो, नाश्ता वास्ता कर लो, ठीक है। फिर क्या करना, वहाँ से उसको बोलना 1-1.5 बजे निकलेगी, उसमें रिटर्न आना, समझ गए? सेम उसी बस में वापस। हाँ, फिर वहाँ भेंडियारा है, उसको बोलना भेंडियारा का टिकट निकाल लेना, वहाँ से आपको वाइट रन का मिल जाए, नहीं तो पर्सनल गाड़ी लेना पड़ेगा, वो मैनेज कर लेना। सुबह हम निकले होटल से 7 बजे। जैसे ही पहुँचे बस स्टॉप पे, तो अपने को वहाँ से मिली बस और बस में बैठकर 55 पे स्पेंड करके हम पहुँचे खावड़ा। खावड़ा से अगली बस लेकर के हम निकल रहे हैं कालो डूंगर जाने के लिए, जिसको ब्लैक हिल भी कहा जाता है। तो आप जब निकलते हैं घर से तो कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल जाता है, लोग आपकी मदद करते हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो गया। लोगों ने हमें गाइड किया कि आप ऐसे ऐसे कर लीजिए, आगे का ऑप्शन क्या बनेगा अभी तो नहीं मालूम है वाइट डेजर्ट के लिए, लेकिन जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ, आज वाइट डेजर्ट देखने चला रहे हैं। ये भी आप क्या बना रहे हैं? ये फाफड़ा है। हाँ फाफड़ा ये है, ओके। जलेबी फाफड़ा एक प्लेट लगा लो।
फाफड़ा जो हम सुना करते थे वो ये है, जलेबी फाफड़ा जेठालाल गढ़ा खाया करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। आज गुजरात आए तो वही ब्रेकफास्ट खाने को मिलेगा, जलेबी फाफड़ा। बनते हुए हमने थोड़ी देर पहले देखा था कैसे बनता है, अब खा के देख रहे हैं और ये वाकई कमाल का है। एकदम सॉफ्ट और क्रंची एक साथ, साथ में जलेबी। चाय पीने का मजा वो भी गुजराती स्टाइल में। कितना हुआ ये खाखरा जलेबी और साथ में चाय, ये है आज का नाश्ता। इस नाश्ते के बाद वेट हो रहा है बस का टाइम 10:30 का बताया गया है, 10:15 हो चुके हैं। देखते हैं कितनी देर में बस यहाँ पहुँचती है। ये है वो बस जो जा रही है कॉलोनी में। पार्किंग में ड्रॉप करेगी, पार्किंग से फिर आप पैदल चल के इस रूट से ऊपर तक जाएंगे जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, और वहाँ जाकर फिर आप देख सकेंगे व्यू इस पूरी काली पहाड़ी के। पीना है तुम्हें? हाँ। ले लो, ले लो उसमें से। आपको दे दो ठीक है? हाँ दे दो बस। काला डूंगर की जो मेन साइट है जहाँ पे क्राउड है काफ़ी, उसे छोड़कर मैं अब हाइकिंग ट्रेल की तरफ बढ़ रहा हूँ ताकि आप देख सकें कि किस तरह का है एरिया और कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। सो ये है काला डूंगर का हाइकिंग ट्रेल जो हमें लेकर जाता है करीब 2 किलोमीटर अंदर उन पहाड़ियों की तरफ। कम ही लोग हैं जो इस तरफ इस ट्रेल पर आगे आ रहे हैं। 2 किलोमीटर लंबा ये टोटल ट्रेल है और मैं आपको बताता हूँ रास्ता किस तरह से था।
बुध से आप निकले, खडवा जगह है जहाँ हम लोगों ने करीब 1.5 घंटा बस का इंतजार किया। 11 बजे ये बस आई जो सिर्फ संडे को चलती है, हफ्ते में एक ही दिन, तो आज संडे है तो हम लकी रहे कि हमें यहाँ तक डायरेक्ट बस सर्विस मिल गई। और यहाँ पहुँचने के बाद करीब 45 मिनट की जर्नी है खडवा और काला डूंगर के बीच में बस के थ्रू। मैं बस बैठा, आँख लगी और उठा उसके बाद तो यहाँ पर था। हम लोग हैं यहाँ, इधर से होते हुए नीचे पहुँचे इस जगह पर। ये वो हाइकिंग ट्रेल है जो लेकर जाएगी आपको 2 किलोमीटर अंदर। धूप बढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़ने लगी है और हवा में ठंडक है। चलेंगे तो गर्मी महसूस होगी, स्वेटिंग होगा, अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है गर्मी के हिसाब से। कुछ ही लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट वॉक किया अभी मैंने और इस जगह पहुँच गया हूँ। तो ये ट्रेल आपको इसी तरह के जिग-जैग रास्ते से उस जगह से होती हुई, वो रास्ता दिख रहा है आपको, ये वो ट्रेल है जो आगे तक ले जाती है। आप ये जो लेक है, सॉल्ट लेक जिसे कहा जाता है, इस लेक के और ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हैं। नज़ारा तो खूबसूरत है। अब जब भीड़ से दूर निकल आते हैं तो अच्छा लगता है। दोस्तों काला डूंगर या और गुजराती में कहें तो कालो डूंगर, यहाँ का सफ़र इतना ही था। अब मैं वापस निकल रहा हूँ। करीब करीब आधा घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में और इतना ही टाइम लगेगा शायद वापस जाने में। तो कहीं ना कहीं आधे पौने घंटे में पूरा ट्रेल 2 किलोमीटर का तो नहीं, लेकिन आप कुछ एरिया देखकर वापस जा सकते हैं। वो हिल टॉप तक पहुँचा मैं वहाँ पर, और वहाँ से उस तरफ का व्यू मुझे नज़र आया जिस तरफ वाइट डेजर्ट है। मेरे बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं ये सॉल्ट लेक है, खूबसूरत जगह है। यहाँ तक रोड कनेक्टिविटी है और इंडिया पुल भी इसी तरफ है, तो ज़रूर जाकर के आइएगा। पीसफुल है, आप आइए, बैठिए, फैमिली के साथ आइए, थोड़ा टाइम स्पेंड करिए और वापस चले जाइए। ये मैं जो लेक के बाहर वाइट सैंड या वाइट सॉल्ट जो मैं देख रहा हूँ, ये कमाल का नज़ारा है। पानी का रंग ब्लू नहीं है जबकि स्काई ब्लू है, थोड़ा फॉगी है, थोड़ा ग्रीनिश या ब्राउन शेड है पानी का भी, और उसके साथ में जब आप वाइट कलर का सैंड या सॉल्ट देखते हैं और उसके बाद जब ब्राउन सॉइल स्टार्ट हो जाता है और फिर ग्रीनरी, तो ये जो टेक्सचर्स बनता है कलर्स का, ये जो डिज़ाइन या पैटर्न है, ये कमाल का है, ये देखने में बहुत अच्छा है। एक छोटा सा आइलैंड भी मुझे नज़र आ रहा है वो सेंटर में वहाँ पर, ये शानदार है एक्सपीरियंस। और उस तरफ देखिए बड़ी सी कोस्ट लाइन है और कोस्ट लाइन के बाद बड़ा सा एक सॉल्ट लेक का मैदान लगता है, हरियाली नहीं है उस तरफ। मैं नहीं जानता वहाँ जाना अलाउड है कि नहीं है, कैसे जा सकते, पर वाइट डेजर्ट जाऊँगा तो शायद उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। इस तरह से हम कालो डूंगर देखने के बाद उसी बस में बैठकर रण उत्सव के लिए वापस चल पड़े। कैसी रही आगे की जर्नी, कैसे बनवाया परमिट, कैसे पहुंचे टेंट सिटी, कौन कौन सी एक्टिविटीज रण उत्सव के दौरान होती हैं, रात में हम कहां और कैसे रुके, ये सब होगा गुजरात सीरीज के अगले एपिसोड में। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।